अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। देखना, आजकल गोपाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान हमेशा छुपी रहती है। हाँ यार, मगर बात क्या है? तुझे तो यार हर बात लेट पता चलती है। गोपाल को प्यार हो गया रे। क्या बात कर रहा है? तो आखिरकार हमारे गोपाल को उसकी राधा मिली गई। तो आज तो मैं इसे, अरे ये कहाँ गया? देख, किसी ना किसी पेड़ के पीछे अपनी राधा से बतिया रहा होगा। आज मैं इस मजनू का कान पकड़ के छोड़ूंगा, मुझे नहीं बताता यार। तीन लोग यहीं रुको, हम तीन अंदर जाएंगे। इस लैब का चप्पा चप्पा छान मारो, वो चीज यही होनी चाहिए। दूर जल्दी। खत्म हो गए सब। हाँ सर, दोनों मर गए सर। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो अभी तक हमें मिला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर हमें ये मिशन पूरा करना है। और सुनो, गार्ड्स को अंदर आने मत देना। ठीक है बॉस, मैं रोकता हूँ उनको।
लैब को तहस नहस करके रखा है। लगता है सर किसी बड़े ग्रुप ने हमला किया है। ये देखिए सर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया है। कुछ पता चला कौन लोग थे, कितने लोग थे? सर पता नहीं कौन थे कितने थे, लेकिन उनमें से तीन लोग मारे गए। सर हमने बिल्डिंग के अंदर चार लोगों को फायरिंग करते हुए देखा था, और जब हम अंदर गए उन्हें मारने के लिए तो कुछ लोग उस खिड़की से कूदकर भाग गए। अच्छा, कुछ पता चला इन लोगों के बारे में? कुछ पता नहीं चला सर, मैंने इन सब की जेबें टोटल के देखी है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। तुम्हारे इस रिसर्च में आपके कंपाउंड को कितने गेट्स हैं? सर इस बिल्डिंग में तीन गेट हैं, और तीनों गेटों पर 24 घंटे पहरा रहता है, लेकिन नॉर्थ विंग और वेस्ट विंग के गेट्स मेन गेट होने की वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़्यादा होता है। सर इसलिए उन्होंने वेस्ट विंग वाले गेट से हमला किया जो कि बैक गेट है, और इससे पहले कि बाकी गार्ड्स यहाँ पर पहुँचते उन्होंने बैक डोर से एंट्री ली और बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सर जिस तरह से हमला हुआ है उससे तो यही लगता है कि हमलावर गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी बंदोबस्त से अच्छी तरह से वाकिफ थे। है तो कोई अंदर का ही जिसने उन लोगों को इस रिसर्च लेबोरेटरी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बताया है, ये अंदर का ही कोई है, अंदर का ही। सर वो लोग यहाँ लेने के आए थे, इसी गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में हमला करने का कारण क्या हो सकता है? रिजेक्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड से कुछ मैच हुआ, कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं सर, रिसर्च लैब से मिले सभी उंगलियों के निशान और डीएनए सैंपल्स को चेक करवा लिया, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करते। मतलब इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये लोग हैं कौन? बॉस। हाँ सलूंखे। एक मिनट बॉस, ये देखो ये जो बुलेट है ये 0.45 कैलिबर की, और ये हमारे देश में नहीं बनी। हमारे देश में नहीं बनी है? और इतना ही नहीं, ये जो गन्स हैं जिनसे ये बुलेट चलाई गई है ये भी विदेशी है। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, आधुनिक तकनीक। इतने आधुनिक हथियार चलाने के लिए इन आतंकवादियों ने कोई खास किस्म की ट्रेनिंग ली होगी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने वाले लोगों के इरादे भी उतने ही खतरनाक होंगे। ये किसी आम चोर या गुंडे का काम नहीं है, इसमें जरूर किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ है जो किसी ऐसी चीज के पीछे पड़े हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी छोटी मोटी वारदात से इतने बड़े देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता। सूरज ग्रेट, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ अभिषेक, प्लीज कम। अभिजीत मुझे समझ नहीं आता ये हरकत कौन कर सकता है, मुझे आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डॉक्टर रमन जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वो हमलावर लैब में से क्या चुराना चाहते थे? एक बायोलॉजिकल एजेंट चुराने आए थे जिसे मैंने हाल ही में ईजाद किया है। बायोलॉजिकल एजेंट? कैसा बायोलॉजिकल एजेंट? जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है साळुंखे। हाँ बस, मैंने इन लाशों के बालों का डीएनए टेस्ट किया था, और डीएनए टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि विक्टिम नंबर 2 और विक्टिम नंबर 3 ये दोनों एक ही किस्म के शैंपू का इस्तेमाल करते थे। शैंपू? मगर सालों के साहब हमारे देश में हजारों शैंपू के ब्रांड है,
और लाखों दुकानें हैं जहाँ पे शैम्पू बिकता है। लेकिन ये कोई साधारण शैम्पू नहीं है फ्रेडी सर, ये खास किस्म का शैम्पू है जो ईमू ऑयल, कीवी फ्रूट और एलोवेरा से बनाया गया है। मतलब ये खास किस्म का शैम्पू कुछ खास जगहों पर ही बनता है और खास दुकानों पर ही बिकता है। लेकिन आतंकवादी और महंगा असाधारण शैम्पू, सर बात कुछ समझ में नहीं आई। कुछ कुछ समझ में आ रहा है रजत, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे होटल में ठहरे हो जहां पर होटल वाले अपने कस्टमर्स के लिए हाथ से बनाए हुए शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू रखते हैं। बॉस, मैं इन बालों पर कुछ और टेस्ट करके इनके कंपाउंड का पता कर सकता हूं। तब तक हम किसी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट से मिलते हैं, पता लगाते हैं इस शैम्पू के बारे में। इसका नाम मैंने सेग्योट्रॉप रखा है। ये ऐसे रोगों में काम आता है जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते, और ये बायोलॉजिकल एजेंट एक खास किस्म का वायरस है। वायरस? हाँ, इस वायरस से बहुत सी वैक्सीन और मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर वायरल एपिडेमिक फैलाया गया ना, तो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की जान जा सकती है। मतलब उनके इरादे नेक नहीं है। फिर तो ये मामला बहुत ही सीरियस है सर। अगर इस बात का पता मीडिया या आम जनता को चल जाएगा तो उनके दिलों में तो दहशत बैठ जाएगी। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें ये बात अपने तक छुपा के रखनी है। सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन हमलावरों को लैब के सुरक्षा बंदोबस्त, सारे सीसीटीवी कैमरास के प्लेसमेंट के बारे में कैसे पता चला? घर का भेदी लंका ढाए, ये जरूर किसी लैब वाले का ही काम है। तो फिर सर उस अंदर के आदमी को ये कैसे पता नहीं चला कि वायरस लैब में रखा कहाँ है? वो शायद इसलिए कि मैंने कल रात ही वायरस की जगह बदल दी थी। और अब आप ये चाहते हैं कि ये वायरस हम लोग शहर के बाहर ले जाएं और किसी महफूज जगह पर रखते हैं? जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया, क्योंकि मैं सीआईडी के अलावा किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता। अभिजीत, वो वायरस किसी भी हालत में हमें अशोक नगर वाली रिसर्च लैब में सुरक्षित तरीके से पहुंचाना चाहिए, किसी भी हालत में। सर, अशोक नगर की दूरी करीब 180 किलोमीटर की होगी। 180? सर, अगर दिन में जाए तो ट्रैफिक की वजह से कम 5 घंटे लगेंगे। सर टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम दिन के उजाले में ही करना चाहिए। क्या दिन क्या रात सर, उन आतंकवादियों ने इतनी बड़ी रिसर्च लैब के ऊपर हमला कर दिया सर। अगर हम लोग वायरस शिफ्ट करने जाएंगे तो हम पर हमला हो सकता है सर। तो तुम घर चले जाओ। नहीं सर। अशोक नगर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सर 3 रास्ते हैं, पर सबसे सुरक्षित ये टोल हाईवे वाला रास्ता है। थोड़ा लंबा है, लेकिन जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। इस रास्ते पे ना तो बस्ती है और ना कोई जंगल। सर आपका शक सही निकला। वो शैम्पू खास करके किया नाम की चेन ऑफ होटल्स में सप्लाई किया जाता है। गुड वर्क श्रेया, एक काम करो, इन लोगों के फोटोग्राफ्स इस कंपनी की जितने भी होटल्स हैं सब में भिजवा दो, पता चल जाएगा कौन से होटल में ठहरे थे। सर। अभिजीत, ये जो टोल वाला हाईवे है ना, सबसे लंबा रास्ता, मेरे हिसाब से सबसे सुरक्षित और अच्छा रास्ता यही है। रजत, इस हाईवे पर जगह जगह पर नाकाबंदी करवाओ और जितने भी चेक पोस्ट है सबको चौकन्ना रहने के लिए कहो। यस सर। और अभिजीत, वो वायरस तुम ही लेकर जाओ अशोक नगर, तुम ही लेकर जाओ। क्या बात है विनी, कुछ नर्वस लग रहा? सच बताऊं तो सर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं। एक मशवरा दूँ? थोड़ी बहुत नर्वसनेस और थोड़ी बहुत घबराहट अच्छी होती है। हाँ, सर रियली, इससे हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं और मंजिल तक पहुँचने का जोश भी बढ़ जाता है। आपकी एडवाइस याद रखूँगा सर, थैंक्स। और एक बात, मंजिल तक पहुँचने में 3 घंटे बाकी,
और आने वाले 3 घंटों में हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसे इत्तेफाक मत समझना, दुश्मन की चाल समझना। राइट सर। एक बात बताऊं सर, हमारे पीछे जो एक गाड़ी है उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। जब से हमने सफर शुरू किया ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं सर। मुझे पता है पर वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। सॉरी सर, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने इन्हें पहले ही देख लिया था। इसकी गाड़ी का नंबर मैंने ब्यूरो भेज दिया, ब्यूरो से गाड़ी के मालिक का नाम और उसका फोन नंबर मिल गया। उस फोन नंबर से पता चल गया कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, समझे? वेट सर, फिर भी अलर्ट रहना। यही वो रूम है सर जहां वो दोनों ठहरे थे। कितने दिनों तक ठहरे थे दोनों यहाँ? ये दोनों परसों ही आए थे और सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ रुके थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। डर? किस बात का डर? सर यही कि मैंने आप लोगों की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मुझे डर है कि अगर ये लोग वाकई में आतंकवादी हैं तो मुझे भी जान से मार डालेंगे। देखिए मिस्टर जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे और किसके कहने पे काम कर रहे थे। और अगर आप हमें अपना पूरा कोऑपरेशन देंगे तो हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे। मैं तो पूरा कोऑपरेशन दूंगा, इसलिए जैसे ही हमने इन दोनों की फोटो देखी हमने तुरंत ये कमरा सील कर दिया था और यहाँ तक हमने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। तलाशी लो, जरूर कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। मिस्टर ऋषि, आपके स्टाफ का जो आदमी यहाँ खाना पानी वगैरह लेकर आया था जरा उसे बुलाइए। जी सर। हेलो सुधीर, हाँ रूम नंबर 208 की पर्सनल रूम सर्विस में जो स्टाफ था उसको यहाँ भेजो। अच्छा ऋषि जी, परसों इन दोनों के अलावा इनके साथ कुछ और लोगों ने भी चेक इन किया था? नहीं सर, सिर्फ यही दोनों लोग साथ में थे। सिर्फ यही एक कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था किसी और के लिए? नहीं सर, सिर्फ उन्होंने यही रूम बुक किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर सिर्फ यही दो लोग इस होटल में ठहरे थे तो उनके बाकी साथी कहाँ थे? हो सकता है सर कि बाकी के साथी किसी और होटल में रह रहे हो ताकि इन पे किसी को शक ना हो और सब साथ में ना पकड़े जाए। ये भी हो सकता है। सर, सर बाथरूम में तो कोई सबूत नहीं मिला। मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा, लगता है जाने से पहले वो लोग सब कुछ साफ करके गए। सर, सर ये है राजू जो इस फ्लोर की रूम सर्विस संभालता है। अच्छा राजू, परसों इस कमरे में 2 लोग ठहरे थे, उनके बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता है सब हमें बताओ। पहले तो वे लोग मुझे बहुत शांत स्वभाव के और काफी अच्छे लोग लगे सर। वे लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे और सर उन्होंने मुझे अच्छी टिप भी दी थी। पहले मतलब क्या, बाद में उनका बर्ताव कुछ अलग था? हाँ सर, बाद में वो लोग काफी टेंशन में आ गए थे सर। टेंशन? हाँ सर, मैं उन लोग के लिए खाना लेकर आया तभी किसी का फोन आ गया सर। सर वो लंबे वाले सर थे, वो बाहर चले गए फोन पे बात करने के लिए और जब वे अंदर लौटे पता नहीं सर उन्हें क्या हो गया, उन्हें फौरन अपने दोस्त को यहाँ से चलने के लिए कहा। सर उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, मुझे पैसे दिए और चले गए। अच्छा तुमने कुछ सुना था वो किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? नहीं सर। कितने बजे फोन आया था? सर करीब 9 बजे। 9 बजे। मिस्टर ऋषि, जब इन दोनों ने चेक इन किया था तो आपकी एंट्री रजिस्टर में इन्होंने अपना नंबर तो लिखा? यस सर। गुड, फ्रेडी इनसे नंबर ले लो, टेलीकॉम कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये फोन किसने किया था और कहां से। सब ठीक है ना दया? हाँ सर, अभी तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगा भी नहीं दया, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। 2 सिल्वर ब्रीफकेस, 2 अलग अलग सीआईडी ऑफिसर, 2 अलग अलग गाड़ियां। जब तक उन्हें पता चलेगा कि वायरस असल में है कहां, वायरस सुरक्षित जगह पहुंचा होगा। उम्मीद तो यही है सर। सर हाईवे पुलिस ने कोई खबर दी सर? नहीं दया, अब तक तो कुछ नहीं। अब तक उनको ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी दिखा जिस पर शक हो जाए। बस 2 घंटे और, एक बार वो जगह सुरक्षित पहुंच जाए उसके बाद चैन की सांस लूंगा सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब 1 किलोमीटर की दूरी पर बाएं तरफ एक कच्चा रास्ता आएगा, बाएं तरफ उस रास्ते पर मोड़ ले लेना, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। सर गौर से देख के बताइए, ये दोनों आपके ढाबे पे आए थे?
हेलो जी, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछिया जी। अरे इधर तो सैकड़ों लोग डेली आंदे जाते रहते हैं जी, किस किस का चेहरा याद रखूंगा जी। वैसे आप लोग कौन है जी? जी हम लोग CID से। अच्छा ये याद करके बताइए कि परसों रात 9 बजे के आसपास आपका फ़ोन किसी ने इस्तेमाल किया था फ़ोन करने के लिए? हेलो जी सर जी, इधर से तो 50 लोग डेली फ़ोन करते हैं जी, अब कौन किस वक्त फ़ोन कर गया है कैसे बता सकते हैं जी। अच्छा परसों रात कोई ऐसी बात हुई हो आपके ढाबे पे जो आपको अजीब लगी? अजीब? ओ हाँ सर जी, मैंने याद आया थी, वो परसों साडा रसोईया परमीत वो दाल मखनी बिच नमक डालना भूल गया। सारे ग्राहक चिल्ला रहे थे, वो कोने बिच चार बंदे बैठे थे सर जी, वो चुपचाप खाना खा रहे थे सर जी, उन्होंने तो जो भी नहीं किया सर जी। तो कोई और बात आपको याद हो, जैसे कि किस तरह के कपड़े पहने थे उन्होंने, किस गाड़ी से आए थे? ओ हाँ सर जी, वो सफ़ेद कलर की जीप में आए थे सर जी। जीप का नंबर क्या देखा आपने? नंबर तो याद नहीं सर जी, पर वो जीप में बैठने से पहले मोहन से गल कर रहे थे जी। मोहन? ये मोहन कौन है? मोहन वो साडा यार है जी, पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वैसे ये ट्रक ड्राइवर मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा क्या सर जी, वो तो यही खाना खा रहा है सर जी। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ यहीं पे तो था जी, अभी किधर गया? ओ मोहन, मोहन, अरे जी गाड़ी तो थी, पता नहीं कहाँ गया। ओ मोहन, ओए मोहन, ओए मोहन, ओ मोहन, ओए ओ मोहन, ओए और आ मोहन, हाथ धो रहा सी, मिल लो। की होया साहब जी? अच्छा मोहन ये बताओ कि 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था? तो 2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था, और कोयना के पे स्ट्राइक हुई थी और मेरे पड़ोसी का ताऊ मर गया था बेचारा। यहाँ इस ढाबे पे तुम्हारी 3-4 लोगों के साथ कोई बहस कोई बातचीत हुई थी? अच्छा तो आप लोग उनके यार हो, मुझसे पंगा लेने आए हो हैं? अरे बाबा पंगा वंगा लेने नहीं आए, हम लोग CID से। ओ तेरी CID? पर छोटी सी बात के लिए उन लोगों ने CID से कंप्लेन कर दी? और साहब जी मेरी कोई गलती नहीं, दरअसल वो लोग मेरे पास आए थे, मेरी ट्रक उन्हें भाड़े पे चाहिए थी। क्यों? ट्रक भाड़े पे क्यों चाहिए थी? वो कह रहे थे कि डॉक से कुछ सामान उठाना है, वो डबल पैसे देने को तैयार थे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन एंड मौके तो मुझे उन्हें मना करना पड़ा, वो मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं लाला जी, मुझे उनका सामान लेकर जाना था। अब लाला जी मेरे भाई बाप है, अब भला बताओ मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? और तुम्हारी बात उन्होंने मान लिया? वो नहीं साहब जी, गुस्सा हो गए और गाली गलौज करने लगे, तो भला बताओ मैं भी कब तक चुप रहा था, मैंने भी उन्हें सुना दी 2-4 लंबी चौड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कुछ बताया था तुम्हें कि वो लोग डॉक में से कौन सा सामान उठाने वाले? वो साहब जी मैंने पूछा तो था मगर उन्होंने बताया नहीं। सर कहीं वही लोग तो नहीं जिनकी हमें तलाश है? अच्छा उन्होंने तुम्हारी ट्रक किस दिन के लिए बुक की थी? आज दोपहर के लिए। आज दोपहर के लिए? दया आधे घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साहब जी एक बार किसी तरह से ये वायरस अपने महफूज जगह तक पहुंच जाए तो हमारा मकसद कामयाब। करेक्ट, एक बार वायरस सही जगह पहुंच जाए फिर इन आतंकवादियों से भी निपटेंगे। दया ACP साहब का फोन आ रहा है, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस में करता हूं। ओके ठीक है। यस सर। बुरी खबर है अभिजीत। बुरी खबर क्या सर? अशोकनगर के पास सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने 2 अनजान गाड़ियां देखी, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की तो गाड़ियां गायब हो गई। लेकिन सर आतंकवादियों को हमारे इस खुफिया जगह के बारे में पता कैसे चला? डॉक्टर रामानंजन के अलावा तो ये बात हमने किसी और को बताई भी नहीं। ये तो लगता है डॉक्टर रामानंजन के टीम में ही कोई गद्दार है। ये लोग तो हाथ धो के वायरस के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर बीच रास्ते में कहीं हम पर हमला करते हैं। हो सकता है, इसीलिए प्लान चेंज करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाना है? कालापुर। कालापुर? लेकिन सर इसमें और भी खतरा हो सकता है। नामुमकिन नामुमकिन, इस बार हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस रास्ते से जाएंगे किसी को भी नहीं बताएंगे, इस डॉक्टर रामुंजन को भी नहीं। सर कालापुर तो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो जाएगा। मुझे पता है अभिजीत,
इसलिए बीच रास्ते में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, ठीक है? गुड लक। बोल, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला क्यों किया तूने? बोल। गवर्नमेंट बिल्डिंग? कौन सी गवर्नमेंट बिल्डिंग? आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर आप समझ में आ? क्या? ये कि रिसर्च लैब से बायोलॉजिकल एजेंट क्यों चुराया तूने? क्यों? बायोलॉजिकल एजेंट क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्ड डिग्री फॉर्मूले का इस्तेमाल। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे अरे मार दे, अरे मामा, अरे मार दे, अरे मेरे गोली मार दे, गोली मार दे, अरे अरे गोली मार दे, अरे 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 गोली मार। सर ये तो मॉल का फ्लोर डिजाइन लगता है। सर इसका मतलब इस फ्लोर डिजाइन के जरिए इसका ग्रुप शॉपिंग मॉल में पब्लिक पर अटैक करने वाला था। और ये फ्लोर डिजाइन इस बात का सबूत है, इनकी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। बोल, कल रात को कहा था तू? लोगों के साथ मॉल में था, मैं सच बोल रहा हूँ, सच सच में। इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। इन दोनों को जानते हो? हाँ पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है, ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है सच में। क्या परसों ढाबे पे इन दोनों को लस्सी पिलाने के लिए बुलाया था तुमने? नहीं, वो वापस अपनी गैंग में शामिल करने का ऑफर देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग नहीं आए सच में सच बोल रहा हूँ। हाँ सर, सच तो बोल रहा है ये, वो दोनों तो आए नहीं थे ना ढाबे पर। समझ में नहीं आ रहा, अगर जसवंत और उसकी गैंग ने उस गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला नहीं किया तो फिर वो लोग कौन थे? ये सर हाईवे हॉल्ट मोटल में हम लोग हैं। वही ना जिसके पीछे तालाब है? जी सर वही है।
वेरी गुड, मगर चौकन्ना रहना और कॉर्नर वाला कमरा लेना ताकि पूरा कॉरिडोर हमारी नजर में हो। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। एक कमरा चाहिए? अरे क्या बात है साहब, एक नहीं 10 कमरे मिलेंगे, लेकिन साहब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट हमें चाहिए भी नहीं, बस वो 10 खाली कमरे एक बार दिखवा दो। अरे साहब रहने के लिए एक कमरा और देखने के लिए 10 कमरा क्यों? 10 कमरा खाली है तो दिखाने में आपको कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं। अब छोड़ो, जा साहब को ऊपर के सारे कमरे दिखा दे। ठीक से चेक कर ले। रूम तो सारे अच्छे हैं सर। कौन है वाला? ठीक है सर, 205। 205 में चेक इन कर लिया सर, पूरा मोटेल पहले ठीक से चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड। वैसे दया, तुम्हें और अभिजीत को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी चौकन्ना रहना। हाँ सर, अभिजीत से बात हुई? हाँ अभिजीत से बात हुई, वो हाईवे हॉल्ट मोटेल में रुका हुआ है, वहां के आसपास के सारे चेक नापों को मैंने इत्तला किया है कि वो चौकन्ना रहे। ठीक है सर। या ओके। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था, अलर्ट रहना जरूरी है। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है? नीचे गाड़ी खड़ी है। हेलो सर। हाँ सर, होटल के नीचे एक गाड़ी खड़ी है, उस पर कुछ लोग बैठे हैं, लगता है हम पे नजर रख रहे हैं। गाड़ी तो निकल गई सर। निकल गई? एक काम करो अभिजीत, उस गाड़ी का नंबर मुझे एसएमएस कर देना, हाँ नजदीकी चेक पोस्ट को बता देता हूँ। ओके सर, मैं गाड़ी का नंबर एसएमएस करता हूँ। सर लगता है आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे पिकनिक मनाने आए? नहीं सर, मैं दोनों सारी रात जागे तो कल सारा दिन दोनों सोएंगे। मतलब सर? अरे यार बारी बारी से पहरा देते हैं, तुम अभी सो जाओ। सर तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, गुड नाइट। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम ऐसा आखिर करती क्यों हो। तुमसे एक बार नहीं, मैंने हजार बार बोल दिया है, लेकिन तुम ये बार बार मिस्टेक क्यों करती हो? कुछ भी करने से पहले एक बार ठीक से सोच लो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आता हूं।
रमेश सुनो मेरी बात, प्लीज अंदर चलो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अभिजीत, जिस गाड़ी का नंबर तुमने मुझे एसएमएस किया था ना, वो गाड़ी चेक पोस्ट से गई ही नहीं अब तक। गाड़ी चेक नाके पे नहीं पहुंची? सर आधा घंटा हो गया इन लोगों के यहाँ से निकले हुए। अगर ये लोग चेक नाके पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब यही कहीं आसपास घात लगा के बैठे हैं। हाँ अभिजीत, आसपास ही होनी चाहिए। हाँ सर, मैं देख। ठीक है सर, फिर मैं सो जाता हूँ। विनीत तो कब का सो गया सर, नींद तो मुझे भी आ रही है। ठीक है, आराम करो। हाँ जी सर, जी सर, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। विनीत सर, स्पाई कैमरा और माइक्रोफोन, ये कहां से मिला सर? यहां पे इस पेंटिंग में फिट किया था। हमारी बातें सुनी जा रही थी, हम पे नजर रखी जा रही थी। लेकिन सर उनको पता कैसे चला कि हम यहीं रुकने वाले? हो सकता है होटल के बाकी कमरों में भी फिट कर रखा हो, या फिर जब तुम यहां इस कमरे को फाइनल करके नीचे गए थे उसी बीच में किसी ने फिट कर दिया होगा। मतलब सर यहाँ का कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है। यहाँ पे खतरा है, निकलो यहाँ से। यहाँ तक कि होटल के स्टाफ भी गायब है। पूरा होटल खाली, फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। इसी भी साहब को बताना पड़ेगा। हाँ अभिजीत सर, सर हम लोग ये होटल छोड़ रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, रूम के अंदर कैमरे और माइक्रोफोन लगा रखे थे। तुम्हारे कमरे में से माइक और कैमरा मिला और होटल में कोई नहीं, ये चक्कर क्या है? अरे ये क्या, क्या हुआ अभिजीत? लाइट चली गई है सर। अभिजीत सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, यहाँ फायरिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे बताते रहना और संभाल के, समझे? हाँ मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, तुम यहाँ पर भी हो, वहां से निकलो अभी इसी वक्त। क्या हो सर? लगता है उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अभिजीत पर अटैक किया उन लोगों ने। लेकिन सर इस वक्त हाईवे पे निकलना खतरे से खाली नहीं है। पहले तुम निकलो वहां से, जगह छोड़ो दया अभी। सर मेरी गोलियां खत्म होने वाली है सर। एक काम करो, मुझे कवर फायर दो, मैं गाड़ी से लेके आता हूं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रास्ते के बीचों बीच ये गाड़ी क्या कर रही है?
निकल। ज्यादा को बात क्या? नहीं सर, वो एक गाड़ी खड़ी है रास्ते के बीच पर, शायद खराब हुई हो, पता नहीं। हम लोग पहुंच जाएंगे सर, करीब एक आधे घंटे में पहुंचना चाहिए। सर फायरिंग हो रही है, तो लगता ट्रैप है सर। लगता है इसकी गोली खत्म हो गई है। सर आएंगे अभी तक। अरे अब खाली पिस्तौल से क्या होली खेलेगा तू? चल बाहर निकल, वरना तेरे सीने से तेरा कलेजा बाहर कर दूंगा। चल बैग दे, बैग ले से। बैग क्या? बैग तो खाली है। मगर ये गन खाली नहीं है। गन नीचे, वरना इसका खेजा खाली कर दूंगा। चल नीचे कर। विनीत, तू जरा घूंघट तो निकाल।